हेलो दोस्तों, स्वागत है ठाकुर जी के श्री चरण में। आज हम निकले हैं दिल्ली से जयपुर जाने के लिए राजस्थान मूर्ति कला उत्सव। तो अभी हमें निकले हुए हो गए हैं 2 घंटे, तो अभी हम थोड़ी देर मतलब और 2 घंटे में पहुंचेंगे राजस्थान मूर्ति कला उत्सव। तो आज हम वहां पे कुछ लेने जा रहे हैं, वो क्या लेने जा रहे हैं आपको वहां पहुंच के पूरे इस व्लॉग के अंदर पता चलेगा कि हम वहां पे किस लिए जा रहे हैं और क्या लेने जा रहे हैं। तो चलिए अब थोड़ी देर में मिलते हैं हम वहां पहुंच के। तो ये देखिए मौसम कितना अच्छा है। हम सुबह 6 बजे निकले थे और अभी हमें निकले हुए हो गए हैं 2 घंटे। तो हमें सारे रास्ते जो ऐसे ही बारिश हल्की हल्की मिली है, तो अब हम यहाँ से लेंगे एक लेफ्ट टर्न दौसा के लिए। तो उस रोड पे आने के बाद हमें 60 किलोमीटर तक आगे चलना है गोला का बास जो जगह है, जहाँ हमें जाना है भानगढ़ फोर्ट के पास, जहाँ पर है राजस्थान मूर्ति कला उद्योग। तो दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं राजस्थान मूर्ति कला उद्योग, आप ये देख रहे हो, और ये है इनका बाहर जो भी इनकी जो बनी हुई मूर्तियाँ रखी हैं वो, और अंदर देख रहे हैं आप कारीगर काम भी कर रहे हैं। और ये बिल्कुल मेन हाईवे के ऊपर ही पड़ती है, जो अंदर का हाईवे है उसके ऊपर ही पड़ती है, और ये भानगढ़ फोर्ट के नियर पड़ता है। इनका जो ये शॉप है ये भानगढ़ फोर्ट के बिल्कुल नियर है। तो चलिए अब हमको अंदर दिखाते हैं पहले और मिलवाते हैं। तो ये हैं जो यहाँ पे सारा काम संभालते हैं, सबसे बड़े वाले भाई, इनके फादर भी। आप यही बताएंगे कि कितने टाइम से इस काम के अंदर है, आप बताओ भैया। हमारे दादाजी के दादाजी हैं ग्रैंडफादर, और हमारे पिताजी, और 5वीं पीढ़ी हम चल रहे हैं। 5वीं पीढ़ी हम यही काम कर रहे हैं जो हमारे सालों साल से चल रहा है 5वीं पीढ़ी से। तो इसी काम को हम करने जा रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। और भगवान राधा कृष्ण की इष्कोन मूर्तियां हम बहुत ही सुंदर भाव से बनाते हैं। इनकी ये ठाकुर जी लेने आए हैं हमारे, तो इनकी सुंदर बहुत सुंदर मूर्ति हम बनाए हैं और ये हमारे ठाकुर जी लेने आए हैं। आप ये बताओ कि ये जो इतनी सारी मूर्तियां बनी रखी हैं ये किस लिए हैं, मतलब ऑर्डर की हैं या पहले से बना के रखी हुई हैं आपने? देखो इसमें हम बना के रखते हैं, कोई कस्टमर हैंड टू हैंड मांगता है तो हम इसको तैयार देते हैं। ऑर्डर से भी बनी हुई मूर्तियाँ हैं जो उनका काम भी चल रहा है, आधी मूर्ति ऑर्डर से हैं, बाकी वाइट मार्बल मकराना में बनी हुई मूर्तियाँ हैं, बाकी रफ मूर्तियाँ हैं। और इसके आगे हम पेंटिंग करी हुई मूर्ति, सजी हुई मूर्ति आपको दिखा रहे हैं। ये हमारी सजी हुई मूर्तियाँ हैं, ये हम ऑर्डर से भी बनाए हैं। ये भगवान रामचंद्र जी का पूरा परिवार बनाए हैं, ये हमारे गुजरात में जा रही हैं सारी मूर्तियाँ, पूरा राम जन्म से रावण मरण तक पूरे उनकी लीला बनाई है हमने, ये भगवान राम जी की। और बाकी मूर्तियाँ हम रेडी रखते हैं, कोई भी हैंड टू हैंड लेने आए तो उनको तैयार मिले, इसलिए हमारी सारी मूर्तियाँ रेडी हैं। और ऑर्डर से भी काम होता है, जो अलग हटके मूर्तियाँ बनाना चाहते हैं ना तो उनका ऑर्डर से काम किया जाता है। तो ये जो सारी पीछे रखी हैं ये कौन से मार्बल की हैं जो एकदम वाइट दिख रही हैं? ये एकदम देखो प्योर वाइट मार्बल की है, जो वेतना मार्बल है, और हल्का सा वो मकराना आता है, जो उससे थोड़ा सा हल्का सा क्रीम नेस में आता है, वो मकराना मार्बल की है पीछे मूर्तियाँ, और बाकी वेतना में, और बाकी नॉर्मल झिरी का पत्थर आता है, हमारी अलवर डिस्ट्रिक्ट में निकलता है, वहाँ से बाकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो आप ये जो सब बनता है आपका, ये जो वर्कशॉप है वो कहाँ पे, यहीं पे बनाते हो या कहीं दूर है? नहीं, ये हमारे जस्ट पीछे है, हमारी फैक्ट्री है, हम आपको ले चलते हैं आपको फैक्ट्री दिखाने, कैसे भगवान की मूर्ति बनती है, किस पत्थर से कैसे बनाई जाती है। तो चलिए पहले हम आपकी वर्कशॉप पे विजिट करते हैं और दिखाते हैं लोगों को कि भी कितनी बारीकी से आप लोग काम करते हो और इसको करने में कितनी मेहनत लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए आपकी वर्कशॉप देखते हैं। चलो तो अब हम चल रहे हैं इनकी वर्कशॉप देखने कि वर्कशॉप के अंदर कैसे काम होता है, और हम देखेंगे कि कैसे पूरे रास्ते में इनका जो हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल,
पत्थर जो भी है, इन्होंने कितना उसको स्टॉक किया हुआ है। मेन रोड से ही जो इनका स्टॉक है वो शुरू हो जाता है, और वर्कशॉप के पास आप जाके देखोगे कि आगे तक जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी इन्हीं का सारा ये जो है मटेरियल रखा हुआ है। जैसे कि ये अभी हमें बड़े बड़े जो हैं ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये सारे मार्बल के हैं, और मेनली ये जो ज़्यादातर रखा हुआ है ये सारा मकराना है। अभी हम जो जा रहे हैं, आप देख रहे हो कि सामने भी हमें दिखाई दे रहा है ये जो पत्थर रखे हुए हैं, और आप दूर तक देखो सारा इन्हीं का है जो रॉ मटेरियल है। अब ये जो सामने हमें ये भैया दिखा रहे हैं, ये भी मकराना मार्बल है। ये अभी इस शेप में है, कलर है, लेकिन जब इसको ये कटिंग करके किसी भी विग्रह को बनाते हैं या कोई उसके अलावा भी कुछ और बनाया जाता है पत्थर से, तो इसके अंदर से ही वो पत्थर जो हमें एकदम वाइट मिलती है कोई भी चीज़, वो इसी पत्थर से बनती है। तो ये देखिए हमें दिख रहा है कि किस तरीके से कारीगर अपनी मस्ती में मगन होके काम कर रहे हैं, और हालांकि इस काम में धूल भी बहुत आती है। चरण कमल बनते हैं भगवान के श्री कृष्ण के। ये देखिए ये जो चरण कमल है, ये एक छोटे से ब्लैक कृष्ण है 11 इंच के, ये उनके चरण कमल रेडी हो रहे हैं। और ये देखिए कि कितने, ये वाले कितने इंच में रेडी हो रहे हैं भैया? ये देखिए ये है 18 इंच में जो है इस्कॉन स्टाइल जुगल जोड़ी तैयार हो रही है। आप देखिए कि कितनी बारीकी से पहले मार्किंग की गई है, उसके बाद इसको डिफरेंट डिफरेंट टूल से फाइन किया जाएगा, और उसके बाद फाइनली इसकी जो फिनिशिंग है वो हाथ से होगी। ये देखिए ये जो आप पोस्टर देख रहे हो उसी को इस स्टैचू की शेप में बनाया जा रहा है। आप देखो कि अभी से इतनी सिमिलैरिटी है, जबकि अभी शुरुआत ही हुई है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ इसके ऊपर। तो आप देखो कि कितना बिल्कुल आसपास लेके जाते हैं एक फ़ोटो को और एक पत्थर की शेप को जो हम बनाते हैं मूर्त। ये यहाँ पे हमने देखा है कि कैसे काम हो रहा है, और इन्होंने बहुत सी चीज़ें यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करके बताई कि स्टैचूज को बनाने में कितना टाइम लगता है, राधा कृष्णा की 18 इंच के विग्रह में कितना टाइम लगता है, और यहाँ पे जो इनकी मूर्तियाँ बन रही हैं गुजरात जाने वाली, जो एक गुजरात में मंदिर बन रहा है उसका भी काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, और ये बहुत फुल एकदम पैक चल रहे हैं, इतना ऑर्डर है इनके पास। और ये है वियतनाम का पत्थर जो एकदम प्योर वाइट होता है, और ये है हमारे वाले ठाकुर जी जिनको लेने हम आए हैं। इनका कुछ काम रहता था क्योंकि इनके पास अभी काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन हमने आना, मतलब कुछ ऐसा काम आ गया था कि हमें इमीडिएटली आना पड़ा, तो इस वजह से जो हमारे सामने काम हो रहा है जो रह गया था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप आ जाओ, तो जो भी थोड़ा बहुत रहता है हम आपके सामने ही उसको कंप्लीट कर देंगे। तो बस वही कुछ छोटा छोटा काम रहता था बारीकी वाला, वो उसी को कंप्लीट कर रहे हैं। भैया हमने पीछे ये तो देख लिया कि आप कैसे कटिंग करते हो, लेकिन उसमें उतनी जो चमक है स्मूथनेस है वो कैसे आती है? अब देखो पीछे से हमारी ये मूर्ति आती है रफ, ये रफ मूर्ति है, तो रफ मूर्ति के बाद हम फिनिशिंग करते हैं। अब देखो ये फिनिशिंग का काम चल रहा है, ये देखो हाथों से मजा ही होती है इसकी। ये 5-6 बट्टियाँ लगती हैं, फिर इसके बाद रेजमाल लगते हैं, फिर पाउडर लगता है, तब जाके फिर इसका निखार आता है ऑटोमेटिक पत्थर का, तब जाके ये ओरिजिनल चीज़ चमक पाती है। और एक जो जुगल जोड़ी है मतलब 18 इंच की, उसको बनने में कितना टाइम लगता है? देखो कम से कम 20 दिन का समय लगता है पूरा रेडी होने में उसको, कम से कम। और टाइम हमारे पास क्या है, ऑलरेडी बुक रहता है, इसलिए हम 1 महीने का टाइम लेके चलते हैं हर मूर्ति में। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग आए यहाँ पे क्यों, एक सरप्राइज़ के लिए। अब हम लेने आए हैं सांवले सलोने काना को, ये देखिए इनका काम हो रहा है। हम इनको लेने के लिए आए हैं, और एक मेरी सिस्टर ने बनवाए हैं, वो छोटे रूप में बनवाए हैं विग्रह, वो है 11 इंच का विग्रह, पर वो भी इतना सुंदर बना है कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि आप छोटे उसके अंदर भी इतना सुंदर बना सकते हो। तो ये मेरी दोनों बेटियों की खास ख्वाहिश थी कि भी हमें एक श्याम रंग में भी चाहिए, तो हमने कहा चलो ठीक है उनकी ख्वाहिश भी पूरी कर दी जाए। तो इनका बाकी तो सब हो चुका है फाइनल, थोड़ा बहुत कुछ काम है वो जो अभी फाइनल करके दे रहे हैं ये। और वो उधर देखिए वो पीछे 11 इंच के जो कृष्णा हैं,
और मैं आप ये बता दूं, जो ये मेरे से बात कर रहे हैं ये हैं राहुल भैया, सबसे बड़े भैया राजस्थान कला उद्योग में। और उनके बाद आते हैं मनीष भैया, वो देखो वो खुद ये सब कारीगरों के साथ मिलके खुद काम करते हैं, कुर्सी पे बैठने वाला काम नहीं है इनका, ये खुद सारा दिन लगते हैं। और उसके बाद सबसे बाद में आते हैं गणेश भैया, जो भी ऑर्डर देते हैं जिनकी भी बात होती है उनकी बात होती है गणेश भैया से। ये देखिए कि जो काम थोड़ा बहुत रह गया है वो कितनी बारीकी से कर रहे हैं उसको, और उनको टाइम भी देखना है क्योंकि हमें आए भी बहुत देर हो गई थी, तो उनको ये था कि जी काम अच्छे से और जल्दी से करके दे दें ताकि हम टाइम से यहाँ से निकल सकें। और ये मैं अपने दोनों बाल गोपाल को लेके आई थी उनका श्रृंगार करवाने के लिए, तो ये है उनका जो है वो श्रृंगार चल रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि दीदी आप लेके आना हम इनका श्रृंगार यहीं पर कर देंगे। तो फिर ये भी हमारे साथ आए थे कि चलो अगर हम जा ही रहे हैं तो इनको ले चलते हैं, इनका भी श्रृंगार करवा लेते हैं। तो जो ये श्रृंगार कर रहे हैं इन्होंने भी बहुत बारीकी से काम किया। तो अब ये देखिए ये राहुल भैया और ये गणेश भैया, छोटे वाले कान्हा जी जो मेरी सिस्टर के यहाँ जा रहे हैं हमें सौंपते हुए, और ये हैं हमारे घर में जो आ रही हैं कान्हा जी। और अब हम निकल लिए वापसी की तरफ। जब हमने सारा कुछ सब कुछ लोड करवा लिया गाड़ी में, जो भी सामान था, ठाकुर जी थे और भी दो चार चीज़ें थी, तो उस टाइम पे इतनी बारिश शुरू हुई कि पूछो मत। सुबह जब घर से निकले तब भी तो ऐसा लग रहा था जैसे भगवान भी मानो बहुत खुश है। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे और हमें मेन रोड पे पहुँचने में यहाँ से तकरीबन लग जाता है 2 घंटे। राजस्थान में आए और आपको जो कहते हैं राजस्थान का जो कहते हैं ना रेत का जहाज ना दिखे, तो ये कैसे हो सकता है। तो ये देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पे 10 मिनट के लिए रुकना भी पड़ा। और इन सब के रोड क्रॉस करने के बाद हमने अपना जो वापस यात्रा शुरू की घर की तरफ। अब हम यहाँ से ले लेंगे राइट, थोड़ा सा आगे जाने के बाद जब हम राइट ले लेंगे तो वहाँ से जो है 162 किलोमीटर रह जाता है गुड़गांव। तो वहाँ तक पहुँचते हमें रात हो गई थी। ये देखिए आपको चारों तरफ बादल नज़र आएंगे। उस दिन सारा दिन मौसम इतना अच्छा रहा, कहीं कोई गर्मी का एहसास नहीं था। हम लोग सुबह से घर से निकले थे, हमने कहीं कुछ नहीं खाया। रात को 7:30-8 बजे हम लोगों ने खाना खाया था। अब हम जो है दिल्ली में एंटर कर गए हैं, तो अब हम पहुंचेंगे घर, और घर पहुंचते हमें बच जाएंगे 10:30 से 11 के बीच। तो आशा करती हूं कि आपको जो भी हमने इसमें बारीकियां दिखाई या जो भी विग्रह बन रहे थे या उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी, बारीकियां थी, आप लोगों के साथ शेयर की, तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होंगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ठाकुर जी के दर्शनों के साथ, तब तक हम सब इनकी तैयारी करते हैं।